दिन प्रतिदिन बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से धरने प्रदर्शन किए गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनी पार्क में युद्ध कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस की ओर से धरना दिया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ कई मंत्री, कई विधायकों और कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की कोई वजह नहीं है। दाम बढ़ाने वाले ये वो लोग ही हैं जो जब विपक्ष में थे तो कुछ पैसे तेल की अगर कीमतें बढ़ जाएं तो हाहाकार मचाते थे। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा, हमें उनकी नींद खोलनी है। कीमतें कम करना सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आगे जो भी करना होगा वो किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का केंद्र के पास उपाय नहीं है, बस लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने मंत्री प्रताप सिंह को लेकर कहा, प्रताप जी भले ही मंत्री हैं लेकिन इनका असली मन संगठन में है। हमारे सैनिकों ने अपनी जान दे दी लेकिन अब बताना होगा कि चीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या करने जा रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री देश के दर्द को नहीं समझ रहे। जब राहुल गांधी घर से निकलकर फुटपाथ पर मजदूरों का हाल पूछ रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं को घमंड आ गया है। पेट्रोल डीजल का मुद्दा कांग्रेस का नहीं, 130 करोड़ देशवासियों का है। एसपीएन 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।